सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन थिरुवनंतपुरम का असिस्टेंट वैकेंसी 2021 का। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, पे स्केल पर मंथ कितना रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। लास्ट डेट जो है 12 मई 2021। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फुल डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आप लोगों को लेटेस्ट आप लोग वैकेंसी के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलो दोस्तों देखते हैं इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट। देखो दोस्तों, ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इन्वाइट कर रहे हैं ऑनलाइन नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। अभी देखेंगे इसका डिटेल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल 3 पोस्ट है। तो ये आप लोग अगर सिलेक्टेड होते हैं इनिशियल पोस्टिंग जो होगा, देखो ये नेशनल कॉलेज ऑफ जो एनसीओई है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, देखो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है तिरुवनंतपुरम में हो सकता है या आलापूजा में होगा, बाद में आपको ट्रांसफर किया जाता है इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन। ओके, डेजिग्नेशन जो रहेगा नर्सिंग असिस्टेंट रहेगा। नोमिनेशन 25,000 रहेगा पर मंथ। एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा 8.7% रहेगा आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को देख के। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन +2 करने के बाद, सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए, मेल हो या फीमेल नर्सिंग। देखो जो है शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है। टोटल एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए मैक्सिमम मार्क 10 मार्क होगा और वार एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट ओके 10 मार्क होगा। ओके, आप अगर सपोज एक आदमी 5 साल कंप्लीट किया है तो उसको कितना मार्क मिलेगा? 10 मार्क मिलेगा। 6 साल किया है 12 मार्क, मैक्सिमम आपको 10 मार्क मिलेगा। ओके, तो एडिशनल 2 मार्क दिया जाएगा कोई अगर ओके मीन स्पोर्ट्स में उसका एक्सपीरियंस है नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में। इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क का होगा। यहाँ पर देखो डिफरेंट डोमेन दिया गया है, ओके जैसे आप लोगों को इवेलुएट किया जाएगा। डोमेन एक्सपर्टाइज 30, प्रैक्टिकल नॉलेज 30 मार्क रहेगा। एप्टीट्यूड फॉर वर्किंग इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में 10 मार्क रहेगा। नॉलेज इन एलाइड स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन में 10 मार्क, सॉफ्ट स्किल में 10 मार्क, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंट डाटा एंट्री के भी 10 मार्क रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा ओके आपके ओके कन्फर्म फाइनल सिलेक्शन। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फुली प्योर ऑन द मार्क्स ऑब्टेन ऑन द इंटरव्यू में जितना मार्क लाएंगे ओके अकॉर्डिंग टू दैट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ओके, अगर आप वहां पर पास होते हैं इंटरव्यू में सक्सेस होते हैं तो आप लोगों को सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ज्वाइनिंग टाइम के आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है वो बोथ मेल कैंडिडेट के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए तो कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे? द कैंडिडेट हैज टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन ईमेल आईडी rcmt.achl lncpe2021 @gmail.com with सब्जेक्ट लाइन एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग असिस्टेंट। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग असिस्टेंट बोल। एप्लीकेशन थ्रू अदर मीन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पाना है या एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है तो ये लिंक दिया गया है, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके वजह से आपको एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी ओपन हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 21 अप्रैल 2021 से, और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो 20 मई 2021। ओके, देखो आपको अटैचमेंट क्या करना है। ओके, फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट के साथ साथ बायोडाटा फॉर्मेट जो है उसके साथ साथ आपका 10th का हो गया, +2 का हुआ, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग मार्कशीट ओके जीएनएम का, ओके उसके बाद वार एक्सपीरियंस, उसके बाद नॉन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कहीं अगर काम अभी काम करें, उसके बाद नॉन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी सब डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्टेड करना है। उसके बाद कॉल लेटर्स पर इंटरव्यू, कॉल लेटर्स इंटरव्यू आपको कॉल इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स भेजा जाएगा। अभी देखेंगे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहला इनिशियल कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 3 साल के रहेगा, उसके बाद मैक्सिमम टेन्योर को आपको बढ़ा दिया जाएगा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए। खेलो इंडिया स्कीम में मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 40 इयर्स, ये आपको अदर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखो ये कैसे आप लोग अटेस्टेड करेंगे, ये एक तो आपका सब कुछ किसी स्टूडेंट का एक तो मार्कशीट है, उसमें ऐसे एक ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अगर अलग टाइप का करते हैं तो रिजेक्टेड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म देखो, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आपको इस वैकेंसी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिंक दे दिया गया है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।